Welcome back to your GK class. So class, today we are going to do page number 68 and 69. Today we will try to finish both of these pages. That is page number 68 and page number 69. So let me write the date and all the other stuff. So the date for the video is 18-10-21. GK class 1. Okay, now the page that we are going to study today is machines that make our life easy. So the chapter name is machine that make machine that make our life easy. Okay, now, so what are the machines? Machines are something that reduces the ह्यूमन एफर्ट. ह्यूमन एफर्ट को जो कम करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? वी कॉल देम मशीन. है ना, जैसे फैन. अभी गर्मी लग रही है, आई विल स्विच ऑन द फैन. ठंडी हवा आने लगी, है ना, एंड मुझे कॉल करना है किसी को, मैंने तुरंत फोन उठाया, कॉल किया, मेरा काम क्या होता जा रहा है? आसान होता जा रहा है. तो यहाँ पे आपके इस पेज पे कुछ मशीन, उनके हिंट दिए हुए हैं और हमें बताना है उन मशीन का नाम बेस्ड ऑन देयर फंक्शन. ना फर्स्ट, इट हेल्प्स अस इन क्लीनिंग अवर होम. इट हेल्प्स अस, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज, इट हेल्प्स अस इन cleaner. Now question number 2, it helps us in heating the food. Second is what? It helps us in heating the food. It helps us in what? It helps us in heating. It helps us in eating the food. अब कौन सा ऐसा मशीन होती है जो कि हमें खाना गर्म करने में मदद करती है? अब जैसे मैं स्कूल में हूँ, मैं मुझे घर जाने में टाइम लग जाएगा. अब जब अगर मुझे घर जाने में टाइम होगा तो मेरे दिन में जो मम्मा ने खाना बनाया होगा वो तो ठंडा हो जाएगा, तो मैं किस मशीन का यूज़ करके उसे हीट करूँगी? बताओ, विच मशीन आई विल यूज टू हीट इट अप? टेल मी. यस राइट, सो आई विल बी यूजिंग, मैं क्या यूज करूँगी बेटा? मैं यूज करूँगी माइक्रोवेव. मैं क्या यूज करूंगी? आई विल यूज माइक्रोवेव. ओके, नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, इट प्रोवाइड्स हॉट वाटर. थर्ड इज व्हाट? इट प्रोवाइड्स
It provides hot water. अब देखो विंटर्स में नहाना बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाता है ना, विंटर्स में नहाना बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। क्यों ऐसा क्यों होता है, क्यों विंटर्स में नहाना डिफिकल्ट टास्क होता है? क्योंकि मौसम ठंडा होता है और हमें ठंडे ठंडे पानी से नहाने में डिफिकल्टी होती है। सो इन दैट सिचुएशन व्हाट डू वी यूज, उस सिचुएशन में हम क्या यूज करते हैं? वी यूज गीजर। हम नहाने जाने की थोड़ी देर पहले क्या करते हैं, हम अपना गीजर स्विच ऑन कर देते हैं। और जैसे ही हम अपना गीजर स्विच ऑन करते हैं, व्हाट हैपेंस, गीजर स्विच ऑन होते ही वहां पे क्या होता है, हमें गर्म पानी मिलने लगता है। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज गीजर। Now let us study again. It helps us in cleaning our homes, vacuum cleaner. It helps us in heating the food, microwave. It provides hot water, geyser. So the geyser provides us hot water and it helps us in heating the food. Microwave helps us in heating the food. It helps us in cleaning our home. घर साफ करने के लिए क्या हम यूज करते हैं? We use वैक्यूम क्लीनर, है ना। वैक्यूम क्लीनर से क्या करते हैं, पाइप का होता है, वैक्यूम क्लीनर ऑन करते हैं और वो सारी गंदगी क्या कर लेता है, सक्ड इन कर लेता है, राइट। सारी गंदगी वो क्या कर लेता है, वो सारी गंदगी सक इन कर लेता है। ओके चलो मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट इज आई एम गोइंग टू रेज द बोर्ड नाउ, कैन आई? Now, it helps us in cleaning clothes. Question number 4 is, it helps us in cleaning clothes. It helps us in cleaning clothes. अब ये बताओ कपड़े धुलने के लिए कौन सी मशीन हमारी मदद करती है? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये मशीन लगभग सबके घर में होती है। कपड़े धुलने के लिए कौन सी मशीन हमारी मदद करती है? तो हम कपड़े धुलते हैं वॉशिंग मशीन में, वी वॉश अवर क्लोथिंग वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन में हम क्या करते हैं, वी एड वाटर, वी एड डिटर्जेंट पाउडर और फिर हम क्या करते हैं, उसमें अपने कपड़े डंप कर देते हैं। कपड़े डंप करने के बाद क्या होता है, वो मूव करके कपड़ों को क्या करती है, साफ कर देती है। हमें उसमें ह्यूमन एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, हाथ से हमें नहीं करना पड़ता, वो क्या होती है, ऑटोमेटिकली हमारे कपड़े क्या हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं। और वॉशिंग मशीन तो हमें ये भी बेनिफिट देती है जहाँ पे हम अपने कपड़ों को क्या कर सकते हैं, हम सुखा भी सकते हैं। ड्रायर सेक्शन जो होता है उसमें हम क्या कर सकते हैं, अपने कपड़ों को हम वहाँ पे सुखा भी सकते हैं। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज वॉशिंग मशीन। It helps us in
keeping the food and drink cold. Keeping the food. It helps us in keeping the food and drink cold. रेफ्रिजरेटर में हम क्या करते हैं, अपने कोई भी ड्रिंक फूड को फ्रेश रखता है और उसे ठंडा रखता है। सो द आंसर इज रेफ्रिजरेटर। ओके, नाउ मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर सिक्स इज इट हेल्प्स अस इन मेकिंग चटनी एंड शेक्स। इट हेल्प्स अस इन मेकिंग चटनी एंड शेक। सो राइट आंसर इज विच मशीन हेल्प अस टू मेक चटनी एंड शेक। द राइट आंसर इज मिक्सर ग्राइंडर। मिक्सर ग्राइंडर हेल्प्स अस इन मेकिंग चटनी एंड शेक। राइट, राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज मिक्सर ग्राइंडर। ओके, या वी हैव कंप्लीटेड दिस। So it helps us in cleaning clothes, washing machine. It helps us in keeping the food and drink cold, refrigerator. It helps us in making chutney and shakes, mixer, grinder. Okay, अगर मैं आपसे पूछूं एयर कंडीशनर, अब अगर मैं पूछूं कि एयर कंडीशनर हमारी किस में मदद करता है तो आप क्या बोलोगे? To keep our room cold, right? उसी तरह अगर मैं पूछूं कंप्यूटर एंड लैपटॉप्स, what you will reply? अभी इस कोविड पीरियड में तो कंप्यूटर लैपटॉप की बहुत सारी यूज है। सो कंप्यूटर एंड लैपटॉप किस में मदद करते हैं हमारे? कंप्यूटर एंड लैपटॉप्स दे हेल्प अस इन डूइंग अवर टास्क एट अ ग्रेट स्पीड। लाइक दे कैन दे हेल्प अस इन अटेंडिंग ऑनलाइन क्लासेस, दे हेल्प अस टू सेंड द मेल्स एंड ऑल द अदर स्टफ, राइट? तो मशीन्स क्या करते हैं, हमारी लाइफ को क्या बनाते हैं बेटा? मशीन्स हमारी लाइफ को ईजी बनाते हैं। चलो आगे एक बार सारे को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज इट हेल्प्स अस इन क्लीनिंग अवर होम। राइट आंसर इज वैक्यूम क्लीनर। इट हेल्प्स अस इन क्लीनिंग अवर होम, वैक्यूम क्लीनर। नेक्स्ट इज इट हेल्प्स अस इन हीटिंग द फूड, माइक्रोवेव। माइक्रोवेव हेल्प्स अस इन हीटिंग द फूड। नेक्स्ट इट प्रोवाइड द हॉट वाटर। Hot water is provided to us by geyser. It helps us in cleaning the clothes, washing machine. It helps in keeping the food and drink cold, refrigerator. And next, it helps us in making the chutney and shakes. Chutney aur shakes banane mein kaun madad karta hai? Mixer grinder. Mixer grinder hamari madad karta hai kya karne mein? चटनी और शेक्स बनाने में। चटनी और शेक्स बनाने में हमारी मदद कौन करता है, क्या करता है? मिक्सर ग्राइंडर। मिक्सर ग्राइंडर हमारी मदद करता है। तो आज हमने ये पार्ट चैप्टर किया, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे अगला पेज। और टिल देन टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय।